हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट किया था? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, सारे पार्ट की स्टडी की थी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन किया जाता है. ओके, सो हम बेसिक चीज़ें हम जानते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म एन जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट दोनों का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन. ओके, सो किस तरीके से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं ये जानना है. सो यहाँ पे आप देखिए, डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम के अंदर यहाँ पे फोकस कीजिए. ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये यूट्रस, ठीक है, ये वाला पोर्शन यूट्रस, एंड दिस वन इज सर्वेक्स एंड दिस वन इज वजाइना. क्लियर है, ये वाला पोर्शन पूरा यूट्रस, ये वजाइना एंड दिस वन, ये सर्वेक्स एंड दिस वन इज वजाइना. ओके, एंड ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट, दिस वन इज फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, अब किस, और फैलोपियन ट्यूब से अटैच कौन है, फैलोपियन ट्यूब से अटैच है ओवरी. ठीक है, अब किस तरीके से ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन, मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है. अब ये फीमेल गैमेट जो है वो ओवरी से किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में आता है. एक्चुअल में ओवरी में जो ओव्यूल बन रहा है, उस ओव्यूल को ये जो फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो फिंगर लाइक पोर्शन, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमें दिख रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम फैम्ब्रिया बोलते हैं. और इस फैम्ब्रिया की हेल्प से ये जो ओव्यूल है उसको फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है. ठीक है, तो ये जो फैम्ब्रिया वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या करेगा, ओव्यूल को फैलोपियन ट्यूब में अंदर लेकर आएगा. ठीक है, तो फीमेल गैमेट तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गई. अब बेटा जो फीमेल गैमेट है, एक्चुअल में उसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो खुद मूव नहीं कर सकता ना, बिकॉज ये मोटाइल नहीं होता, इसके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जिस ऑर्गन से ये लोकोमोशन कर सके, ठीक है, मूव कर सके. तो इसीलिए इसको क्या करना, इसको लाने के लिए क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, फैलोपियन ट्यूब में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फैम्ब्रिया है, ये क्या करता है, ओवरी में से ओव्यूल को लेकर आता है, बाहर लेकर आता है, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करवाता है. ठीक है, अब फीमेल गैमेट तो फैलोपियन ट्यूब में आ गई, अब मेल गैमेट जो है वो कहाँ से आएगा, तो ये देखिए, जो मेल गैमेट है वो वजाइना के थ्रू एंटर लेता है. ठीक है, बिकॉज मेल गैमेट क्या है, स्पर्म. ठीक है, स्पर्म किसके थ्रू आता है, सिमन के अंदर स्पर्म मिक्स है. ठीक है, तो जो सिमन है वो कहाँ पे इजेक्ट किया जाता है, कहाँ पे, वो फीमेल बॉडी के अंदर किस पार्ट से एंटर करता है, वजाइना के थ्रू एंटर करता है. तो स्पर्म जो है वो कहाँ से एंटर करेगा, फीमेल बॉडी में, वजाइना के थ्रू एंटर करेगा. क्लियर, अब वजाइना में कम से कम बेटा एक बार में 200 to 500 स्पर्म्स, 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डिपॉजिटेड रहते हैं वजाइना में. ओके, और इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से फ्यूजन के लिए कितना स्पर्म चाहिए, ओनली सिंगल स्पर्म. ठीक है, 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वजाइना, एंड आउट ऑफ 200-500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ओनली सिंगल स्पर्म्स, सिंगल स्पर्म ही होता है जो एबल होता है कि वो क्या कर सके, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर सके. ठीक है, और उसी का रिजल्ट क्या होता है, जायगोट, हम और आप उसी के रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो सो वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी हैं कि हम इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स से लड़कर कोई एक स्पर्म जो है वो क्या हुआ है, फीमेल एग से फ्यूज़ हुआ है. क्लियर है, सो इस तरीके से यहाँ पे, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म जो है वो मूव करता है, ठीक है, तो वो कितने टाइम में यहाँ तक पहुँच जाता है,
ठीक है, ये जो फीमेल गैमेट है कितने टाइम में वो मीट करता है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ना कि जो फीमेल, जो मेल गैमेट है वो एक्टिव, उसकी जो स्पीड, जो वो लोकोमोशन करता है, उसकी लोकोमोशन कहाँ फास्ट होती है कहाँ स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो लोकोमोशन होता है स्पर्म का वो वजाइना वाले ट्रैक में स्लो होता है। ठीक है, स्लो क्यों होता है, बिकॉज हमने पहले पढ़ रखा है कि जो वजाइना वाला जो पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है, उसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है, और उस एसिडिक मीडियम के कारण क्या होता है कि जो स्पर्म है उसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे स्लो होता है। बट जैसे ही ये यूट्रस वाले पार्ट में आते हैं, यूट्रिन कैविटी में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। और हमें पता है कि जो स्पर्म है वो मूव किसके थ्रू करता है, स्पर्म के पास उसका टेल है, ठीक है, उस टेल के हेल्प से वो मूव करता है। तो मूव करते 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 वो किधर जाएगा, यूट्रस से होते होते वो फीमेल गैमेट के पास आ जाएगा। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किस पार्ट में होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, फैलोपियन ट्यूब में ही एग प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है, एंड फैलोपियन ट्यूब में ही कौन आया, स्पर्म आया, जो कि है मेल गैमेट। तो दोनों का फ्यूजन कहाँ हो रहा है, दोनों का फ्यूजन फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कि ये जो एग है या ये जो फीमेल एग है, ओवम है, ये ओवम जब फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद ये कम से कम 24 आवर्स तक वेट करता है स्पर्म का। ठीक है, 24 घंटे तक ये वेट करता है, स्पर्म आएगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, बट 24 आवर्स तक अगर स्पर्म नहीं आया, ठीक है, 24 आवर्स और 2 डेज, ठीक है, 1 और 2 डेज ये वेट करता है, और अगर ये स्पर्म नहीं आया और फ्यूजन नहीं हो पाया, तो ये सेल क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक्सपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सपेल्ड होगा ये किसके थ्रू होगा, अब ये जो एक्सपेल्ड होगा, एक्सपेल्ड होके ये वजाइना के थ्रू ही बाहर रिलीज होगा, और इसके साथ साथ इस ओवम के साथ साथ मसल्स एंड ब्लड, ये दोनों रिलीज होंगे। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वजाइना अलोंग मसल्स एंड ब्लड, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर ओवम स्पर्म से मीट कर गया, अगर ओवम जो है स्पर्म से फ्यूज़ कर गया, तो फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म एन जाइगोट। ठीक है, तो अगर फ्यूजन हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर फ्यूजन नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो वो वजाइना के थ्रू ब्रस्ट होकर रिलीज हो जाएगा, और जब वो ब्रस्ट होगा तो उसके साथ साथ मसल्स प्लस ब्लड ये दोनों भी रिलीज होंगे। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन का, जो पहला स्टेप है, ठीक है, एजुकेशन, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, किस तरीके से जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, और किस तरीके से जो स्पर्म है वो वजाइना के थ्रू वो फीमेल गैमेट से मीट करती है, और अगर मीटिंग होती है, अगर वो मैट करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो रिलीज हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होगा तो उसके साथ साथ मसल्स प्लस ब्लड रिलीज होंगे, और इसी को कहेंगे हम मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्लियर।